बने बैठे। आइए ज़रा हम इस आयत के अंदर देखें औरत के मुताबिक, औरत के लिए वही नज़रिया जो यहूदियत के अंदर पाया जाता है, तकरीबन वही नज़रिया ईसाइत के अंदर भी मौजूद है। ईसाई मज़हब का बुनियादी ख्याल ये था कि औरत गुनाह की माँ और बदी की जड़ और जहन्नम का दरवाज़ा है। ये ईसाइत के अंदर कोई शक्ल दिखा रहा है ना जी, उसकी शक्ल पे नहीं जाना, उसके अमल देखो, उसके अमल कैसे। यहूदियत ईसाइत इस वक्त अपना जो अमन वाला चेहरा दिखा के बैठी है, आप सबसे पहले ये देखें उनके अंदर क्या है, उनकी गिलाजत और गंदगी क्या है। तर्तुलियान ये इब्तदाई दौर के आइम्मा मसीहियत में से था, बहुत बड़ा ईसाई इमाम था। उसके औरत के बारे में नज़रियात हैं कि वो शैतान के आने का दरवाज़ा है, वो शजरे ममनू की तरह ले जाने वाली, खुदा के कानून को तोड़ने वाली और खुदा की तस्वीर मर्द को गारत करने वाली है। ये इनका बड़ा इमाम गुजरा है। क्राइसो सिस्टम जो एक बड़ा मसीही इमाम शुमार किया जाता है, वो औरत के बारे में कहता है कि औरत एक नागुजीर बुराई, एक पैदाइशी वसवसा, एक मरगूब आफत, एक खान की खतरा और गारत गर्द और एक आरास्ता मुसीबत है। ये ईसाइयों का नजरा है, नजरिया है। औरत एक सरापा फितना शर है, आबिद जाहिद जितने भी ईसाइयों के थे वो इस औरत के निज़ाम से दौड़ते हैं। क्या बनते हैं? पोप, फादर बन जाते हैं, सबके ही बाप। और बड़े बड़े राहिब अपनी माँ तक से मिलना और उसके चेहरे पर नज़र डालना ये मासीयत समझते थे। रहबानियत की तारीख औरत से नफरत के वाक़यात से भरी हुई है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करो, ये है यहूदियत और ईसाइयत के अंदर इनका नज़रिया है।